हाय गाइस, वेलकम टू माय नदर व्लॉग। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, हम लोग अभी आए हैं टंडा ज़ियारत। तो ये भी क्वेटा का बहुत मशहूर और ख़ूबसूरत विजिटिंग प्लेस है। हम लोग इससे और भी आगे जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर एक होटल में रुके हुए हैं और मेरे पीछे कायदे आज़म के बहुत बड़ा पुतला भी बनाया है। तो ये जिस होटल में हम लोग अभी रुके, ये भी बहुत खूबसूरत है। और आप मेरे पीछे देखें, जितने भी यहाँ पर माउंटेन वगैरह सब में ट्री है बस। और हम जब अभी आगे जाएंगे, आगे से और खूबसूरत है। हम लोग अभी यहाँ से कुछ खा कर फिर हम लोग आगे जाएंगे। आगे भी तकरीबन एक घंटे का और सफ़र है, फिर हम लोग टंडा ज़ियारत पहुँच जाएंगे। तो मैं यहीं पर व्लॉग को बंद करता हूँ, फिर आगे जाकर व्लॉग को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अभी कुछ ऑर्डर किया है, नाश्ता कर लिए, फिर हम लोग आगे जाएंगे। तकरीबन आगे भी एक घंटे का रास्ता है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर बैठते हैं। अभी हमने पूरा 2.5 घंटा सफ़र किया है, बहुत बर्फबारी चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा उस तरफ जाता हूँ। बहुत सुकून वाला जगह है। इस जगह का नाम टंडा ज़ियारत है। टंडा ज़ियारत मतलब ये भी उसका हिस्सा, लेकिन वो थोड़ा आगे। फिर यहाँ पर तो माउंटेन के ऊपर थोड़े थोड़े वो जो दरख्त वगैरह ट्रीज है, जब हम आगे जाएंगे आगे बिल्कुल हरियाली है। फिर वहाँ पर मज़ा भी देता है। फिर टंडा ज़ियारत के बाद फिर डुमेरा, फिर वहाँ पर एक अफशार भी है, तो हम लोग उसके पास भी जाएंगे। तो उस तरफ फार्मी वाला भी खड़ा है, क्योंकि ये एरिया भी इन लोगों के अंडर है। वहाँ पर उस तरफ होटल मोटल वगैरह, जो रात को जो लोग यहाँ पर गेस्ट हाउस वगैरह, जो यहाँ पर लोग रात को भी बैठते हैं। यहाँ पर बाबा एक कौम कायदे आज़म का एक बहुत खूबसूरत पुतला बनाया है। तो इस तरफ बिल्कुल होटल वगैरह। मैं भी अभी होटल के अंदर गया था, मैंने अपने लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि अभी मैं गाड़ी सोच रहा हूँ और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है, इसीलिए मेरा दिल कुछ भी नहीं चाह रहा खाने का। मैं आगे जाकर फिर देखूंगा, अगर कुछ कहो तो आप मेरे पीछे देखें। ये तो कुछ भी नहीं, आगे से भी खूबसूरत है। हम लोग अभी थोड़ी देर यहाँ पर वेट करके फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं A few moments later, तो हम लोग फाइनली ऊपर तरफ पहुँच गए। तो ये बाप भी जा रहा है। तो इससे उस तरफ फिर टंडा ज़ियारत स्टार्ट होगा। ये बाबी ज़ियारत, अभी मैं इसके अंदर आ गया हूँ। तो इससे उस तरफ सामने की तरफ फिर टंडा ज़ियारत स्टार्ट होगा।
पूरे 3 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। अब यहाँ से दरख्त चीज वगैरह भी स्टार्ट है, फिर इससे आगे जो है यहाँ पर आदमी को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, क्योंकि ये हाईवे की, ये हाईवे की रोड है, तो यहाँ पर ये लोग फोटो भी खींच रहे हैं। ये हाईवे की सड़क है, तो यहाँ पर गाड़ी वगैरह बहुत तेज चलती है। तुम लोग अभी इसके अंदर जाओ, फिर इसके अंदर जाकर मैं व्लॉग को दोबारा शुरू करता हूँ। तो हम लोग फाइनली टंडे ज़्यारत पहुँच गए, तो आप बिल्कुल यहाँ पर, और जब हम लोग अभी एक बाग में बैठे इंतज़ार करें, जहाँ पर हमें जाना है वो 2 बजे खुलेगा, तो 2 बजे तक हम लोग यहीं पर खाना वाना खाएँगे, फिर हम लोग ऊपर डुमेरा की तरफ जाएंगे। तो मैं भी थोड़ा आगे जाता हूँ, हाँ तो मैं भी ऊपर की तरफ आया हूँ और सब नीचे की तरफ बैठे, और जिस जगह हम लोग बैठे यहाँ पर पानी नहीं है, और जिस जगह में जाना है वो 2 बजे खुलेगा। तब तक मैं आपको इस जगह का एक अच्छा सा एक व्यू दिखाता हूँ। जगह आया हूँ, तो आप मेरे सामने देखे ये जो सड़क जा रही है ये डुमेरा की तरफ जाती है, तो डुमेरा में पानी है, लेकिन वहाँ पर वैन वगैरह गाड़ी वगैरह नहीं जाता, क्योंकि उसका रास्ता भी थोड़ा ख़तरनाक है और वहाँ से सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पर मेरे ख्याल से हम लोग पैदल जाएंगे, और इस तरफ ये जो ऊपर तरफ सड़क है, तो यहाँ पर ये सड़क बाबा खरवारी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक दरख्त है, उस दरख्त से अल्लाह लिखा है, तो मैं आपको और भी दिखाता हूँ। और अब इस तरफ है तो इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो ये चंडो ज़्यारत है, तो जिस जगह में जाना है वो 2 घंटे के बाद खुलेगा, मैं उसका भी आपको भी दिखाता हूँ। और आप, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया डुमेरा व खरवारी बाबा का, तो हम लोग मेरे ख्याल से भी पैदल जाएंगे, फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं भी व्लॉग को यहाँ पर बंद करता हूँ, तो हम लोग जब नीचे जाएंगे मैं व्लॉग को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं रेजिडेंसी हाउस, जहाँ पर कायदे आज़म अपने आखिरी दिन में गए थे, वो भी बोला था 2 घंटे के बाद खुलेगा, लेकिन अभी वो उसे खोल दिया। टंडा ज़्यारत जो लोग आते सिर्फ यही रेजिडेंसी हाउस देखने के लिए, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं टंडा ज़्यारत की गलियाँ, इस तरफ सिर्फ पहाड़ है, और इस तरफ ठंड भी, थोड़ा बहुत ठंड भी है। तकरीबन हमें 10 मिनट चलना पड़ेगा रेजिडेंसी हाउस का। अब इस तरफ मेरे पीछे पार देखे, बिल्कुल एक खूबसूरत जगह है, बिल्कुल सकून। अभी सामने बिल्कुल दरख्त जी वगैरह बहुत है।
फाइनली हम लोग रेसिडेंसिया पहुँच गए। ये मेरे पीछे आप का यजम ने जो आखिरी जो दिन है वो यहाँ पर गुजारे। मैं एक बार पूछता हूँ इसके अंदर परमिशन है नहीं है पता नहीं, इसमें हमें परमिशन ही नहीं है अंदर वीडियो बनाना। तो मैं भी रेजिडेंसी क्या अंदर जा रहा हूँ, मैं आपको फिर अंदर का एक व्लॉग बनाता हूँ। अंदर जो है वीडियो बनाना है मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा बहुत बनाऊँगा। फिर भी थोड़ा बहुत आपके लिए बना रहा हूँ, मैं आपको सही से दिखा भी नहीं सकता, तो मैं चुपके से थोड़ा बहुत बना रहा हूँ, आप देख कर इंजॉय करें। अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत बनाया, तो आप यहाँ देखें यहाँ पर खाइए देखिए, यहाँ पर और बहुत सी जगहें जहाँ पर परमिशन नहीं है जाने का। अभी नहीं है यहाँ पर, पहले यहाँ पर सब जगह परमिशन था लेकिन अभी नहीं है। अंदर भी परमिशन नहीं था लेकिन मैंने किसी तरह करके आपको थोड़ा बहुत दिखा लिया। एक बार उस तरफ चलते हैं। ये नीचे की तरफ ये एंट्री की जगह है, तो मैं आपके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। A few moments later. से निकल गए, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। वहाँ पर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी लेकिन मैंने आप लोगों के लिए फिर किसी तरह करके बना लिया। सिर्फ इसका नाम ठंड ज्यादा दे, यहाँ पर गर्मी उसी तरह है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, मेरे ख्याल से हम लोग अभी वहाँ पर जाएंगे जिसका नाम पता नहीं। गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं डुमेरा की तरफ, और मैं बिल्कुल गाड़ी के पीछे बैठा हूँ।
तो एक पागल की आवाज़ आप कुआ यहाँ पर भीख मांग रहा था तो हम पे चीख मारा, तो आप इससे ख्याल करें। गाइस हम लोग दुमेरा के रास्ते में और इसका रास्ता बहुत खतरनाक है, मुझे तो बहुत डर आया है। आप नीचे देखें आगे वो रास्ता है, वो नीचे जो जा रहे हैं बहुत खतरनाक है। मैं तो लोगों को कह रहा हूँ कि नीचे मत जाए, लोग जा रहे हैं दुमेरा बिल्कुल। हमें जब हम वहाँ से रवाना हो गए तो बोला वो 6000 मीटर नीचे, लेकिन मैं लोगों को बोल रहा हूँ यही से मोड़ रहे थे, लेकिन वो लेकर हम लोग आगे जाएंगे। आगे आप खुद देखें, अभी डुमोरे के रास्ते में तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जो भी ठंडा जरद आएंगे वो नहीं आए वरना पछताएगा, जैसे मैं पछता रहा हूँ। तो इसका रास्ता बहुत खतरनाक है, मैं आपको एक अच्छा सा व्यू दिखाऊंगा इसके रास्ते का, इसलिए मैं गाड़ी के बिल्कुल पीछे बैठा हूँ। हम लोग 6000 मीटर नीचे आए, अगर नीचे भी पानी ना हो तो फिर हम क्या करें। तो आगे कभी मैं जगह का आपको एक व्यू दिखाता हूँ। अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए, आप देख सकते हैं पानी थोड़ा आगे और आगे पैदल। यहाँ से पैदल है क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी तो नहीं जा सकता, इसीलिए हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। इस जगह का रास्ता थोड़ा बहुत डेंजरस है, इस तरह के सड़क है, अगर एक गाड़ी जाए तो दूसरा गाड़ी उस तरफ से नहीं आ सकता, इसलिए इससे आगे भी गाड़ी भी नहीं जा सकता। तो आप ये देखें, ये है डुमेरा का पानी, बिल्कुल साफ और ठंडा पानी है, और आगे एक अफशार है, मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा वो इस तरफ है, एक वहाँ से भी पानी आ रहा है, देखिए पूरे 2.5 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे चंडा जियारत से गई। अभी हमें अफशार के पास आने में हमें कितना वक्त लगा, मेरे पीछे बिल्कुल पानी, इस अफशार बिल्कुल आगे, इस जगह का वाटरफॉल हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे। इस जगह को देखकर आदमी को खौफ लगता है। मैं एक बार इस जगह का आपको एक व्यू दिखाता हूँ।
कि हम कौन कौन से रास्ते से जा रहे हैं वाटरफॉल के पास। मेरे ख्याल से पहुंच गया, यही पर है, यही है या आगे? आगे एक अफसर ये काम कर रहा है आगे। पहाड़ों से हम लोग जा रहे हैं, एक तरफ पहाड़ है एक तरफ ये, अब देखे पानी है, बहुत मुश्किल है इस पर चलना। ये है ठंडा ज़ियारत, मैं आपसे कैसे उठ ले जाकर देखा, मैं यहाँ पर व्लॉग को बंद करता हूँ, आगे जाकर फिर हम लोग व्लॉग को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ से भी वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश होगा, इसलिए बारिश होने से पहले हम यहाँ से निकलना है। यहाँ से ठंडे ज़्यारत तक 2 घंटे का रास्ता जा रहे हैं। तो इस लोग को यही पर्यटन करते, अगर आपको वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।